हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और तिलक लगा के स्वागत करता हूँ, दिल से स्वागत करता हूँ आपका क्विक इम्पोर्टेंट अपडेट के एक और लेटेस्ट एपिसोड पर। जैसा कि आप जानते हैं, बहुत तेजी से इम्पोर्टेंट अपडेट इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ, तो आप बस आखिरी तक बने रहिएगा मेरे साथ। मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं अपडेट बाय अंकित क्विक इम्पोर्टेंट अपडेट का एपिसोड नंबर 2। आज की पहली सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में बात करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, नोटिफिकेशन भी आ चुका है 8 फरवरी 2020 को दिल्ली में होने वाला है पोलिंग वोटिंग होने का। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, गेट 2020 का एग्जाम 8 फरवरी को भी होने का है, तो डेट कौन साइड हो गई, तो इससे क्या कुछ फर्क पड़ने वाला है, तो यही जानने के लिए IIT दिल्ली के गेट डिपार्टमेंट मैंने कॉल किया और उन्होंने अभी यह बोला है कि कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, 8 तारीख को ही यह गेट का एग्जाम होगा। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने अभी तक ये नोटिस किया है कि डेट कॉन्साइड हो गई है। इससे रिलेटेड कोई भी और ऑफिशियल अपडेट मेरे को पता चलती तो जल्द से जल्द मैं आपको बता दूंगा। अपडेट बैंक के यूट्यूब चैनल पर लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को। आज की अगली अपडेट आ रही है अदानी की तरफ से। यहाँ पे जूनियर इंजीनियर मैनेजर क्वालिटी वगैरह में वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें ITI डिप्लोमा और बीटेक वाले बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जब हम नोटिफिकेशन पढ़ेंगे जूनियर इंजीनियर का या फिर मैनेजर क्वालिटी का, तो वहां पे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। दूसरे नोटिफिकेशनों में 5-5 साल का या फिर कुछ एक्सपीरियंस मांग दिया गया है, लेकिन जिनमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, वह भी जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो आप देखेंगे कि जब आप वर्क एक्सपीरियंस को रिमूव करेंगे तो वो रिमूव नहीं हो रहा है। वहां पे 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस कंपलसरी डालना पड़ रहा है, तो फ्रेशर्स अभी अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। इससे रिलेटेड कोई भी और अपडेट आती है तो मैं आपको सूचित कर दूंगा। वैसे देखते हैं इससे रिलेटेड और अपडेट आती भी है या नहीं। अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं। बिहार वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी कल निकलने वाली है, 9 तारीख को निकलने वाली है, 9 जनवरी 2020 को फॉर्म भरने की लिंक ओपन होगी। और अभी जो नोटिफिकेशन है इसमें डिप्लोमा बस एलिजिबल बोला गया है, डिप्लोमा मैकेनिकल सिविल BE बीटेक वालों के लिए कल चेक करना पड़ेगा। मैं चेक करता हूं, उसके बाद आपको वीडियो बना के दे दूंगा कि माइनर वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में BE बीटेक अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। फॉर्म भरने की कोई भी फीस नहीं है और यहाँ पे सिलेक्शन भी मेरिट बेसिस पर होने का है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, और आप क्या चाहते हैं मैं इसका वीडियो बनाऊं जरूर बताइएगा मुझे नीचे कमेंट्स में। अगली अपडेट आ रही है ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन MAT मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट की तरफ से। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन की लिंक खुल चुकी है। अगर आप MBA करना चाहते हैं तो आप MAT का एग्जाम बिल्कुल दे सकते हैं, फ्रेशर्स बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएशन वाले हैं, BE BTech है, अगर आप फाइनल ईयर में है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। MBA के लिए अगर आप MBA करना चाहते हैं तो ये एग्जाम आप दीजिए, बढ़िया मौका है आपके लिए, और आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी, एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। आप क्या चाहते हैं इसके ऊपर मैं फुल वीडियो बनाऊं जरूर बताइएगा मुझे नीचे कमेंट्स में। इसके अलावा दोस्तों अभी आप कुछ शॉर्ट नोटिफिकेशन स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक्सपीरियंस बेसिस पर कुछ अलग अलग इंडिया में अलग अलग जगह पे जॉब निकली है, तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो शॉर्ट नोटिफिकेशन है आपके लिए, एक बार पढ़ लीजिएगा और ऑफिशियल वेबसाइट में जाके चेक कर लीजिएगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे छोटा सा वीडियो मेरी मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर करना भाई, इसे शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और अपडेट भाई अंकित को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया बेल आइकन को प्रेस नहीं किया कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोज लेटेस्ट अपडेट लेके आता रहता हूँ। बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे भाई लोग। जय जवान जय किसान।